أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

बहुत सी बातें कही हैं हालांकि इल्म के जो फजाइल और ज़रूरतें उनके मुकाबले में कुछ नहीं उनका एक सौ हिस्सों में से एक हिस्सा हमने बताया है लेकिन आप हजरात के दिलो दिमाग में कुछ न कुछ इल्म की फजीलत उसकी ज़रूरत उसकी अहमियत आ चुकी होगी अल्लाह ताला हम सब के अंदर इल्म हासिल करने का शौक और जज्बा पैदा कर दे आज आप हजरात के सामने इल्म के मुतालिक एक और बात हम कहेंगे जिस तरह से इल्म हासिल करना जरूरी है इल्म हासिल करने का बड़ा अजर सवाब अल्लाह ने रखा है इल्म हासिल कर लेने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी और आयद होती है आज उसी जिम्मेदारी पर हम गुफ्तु करेंगे और कुरान पाक ने वो जिम्मेदारी सूरत तोबा के अंदर मुकर की है नबी साहब ने हदीस के अंदर बताया है वो ये है दोस्तों कि जिस तरह से इल्म हासिल करना जरूरी है इल्म हासिल करने के बड़े फजाइल हैं और बड़ी जरूरत है इसी तरह से इल्म हासिल कर लेने के बाद इल्म गैरों तक पहुंचाना गैरों तक अपना इल्म पहुंचाना अपने इल्म से लोगों को फायदा पहुंचाना यह भी बड़ी फजीलत वाला आमाल है फजाइल आमाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत बड़ा शोबा है कि इल्म हासिल करने के बाद इंसान अपने इल्म से लोगों को फायदा पहुंचाए इल्म के जरिए लोगों को सिखाए पढ़ाए और लोगों में अपना इल्म आम करने की कोशिश करे इसकी भी बड़ी जरूरत और फरीद फजीलत है और इसको भी अल्लाह ताला ने फराइज में से कहा है हमारे बाद अहले इल्म बड़ी अच्छी बात कहते थे दोस्तों कहते थे कि जैसे अल्लाह ताला ने माल दिया माल में सकात फर्ज किया مال کی زکات نکالنا ضروری ہے ایسے بسم الله الرحمن الرحيم <تصفح> 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 الحمد لله الرح رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين ام عباد <تصفح> <تصفح> محترم حضرات दीनी भाई और बहनों इससे पहले हमने इल्म की फजीलत उसकी ज़रूरत के मुतालिक बहुत सी बातें कही हैं हालांकि इल्म की जो फजाइल और जरूरतें उनके मुकाबले में कुछ नहीं उनका एक सौ हिस्सों में से एक हिस्सा हमने बताया है लेकिन आप हजरात के दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ इल्म की फजीलत उसकी ज़रूरत उसकी अहमियत आ चुकी होगी अल्लाह ताला हम सब के अंदर इल्म हासिल करने का शौक और जज्बा पैदा कर दे आज आप हजार के सामने इल्म के मुतालिक एक और बात हम कहेंगे जिस तरह से इल्म हासिल करना ज़रूरी है इल्म हासिल करने का बड़ा अजर सवाब अल्लाह ने रखा है म हासिल कर लेने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी और आयद होती है आज उसी जिम्मेदारी पर हम गुफ्तु करेंगे और कुरान पाक ने उस जिम्मेदारी सूरत तौबा के अंदर मुकर की है नबील इसम ने हदीस के अंदर बताया है वो ये है दोस्तों कि जिस तरह से इल्म हासिल करना जरूरी है म हासिल करने के बड़े फजाइल हैं और बड़ी जरूरत है इसी तरह से इल्म हासिल कर लेने के बाद इल्म गैरों तक पहुंचाना गैरों तक अपना इल्म पहुंचाना अपने इल्म से लोगों को फायदा पहुंचाना ये भी बड़ी फजीलत वाला आमाल है फजाइल आमाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत बड़ा शोबा है कि इल्म हासिल करने के बाद इंसान अपने इल्म से लोगों को फायदा पहुंचाए इल्म के जरिए लोगों को सिखाए पढ़ाए और लोगों में अपना इल्म आम करने की कोशिश करे इसकी भी बड़ी जरूरत और फरीद फजीलत है को भी अल्लाह ताला ने फराइज में से कहा है हमारे बाद अहले इल्म बड़ी अच्छी बात कहते थे दोस्तों कहते थे कि जैसे अल्लाह ताला ने माल दिया माल में जक़ात फर्ज किया माल की जक़ात निकालना जरूरी है ऐसे ही अल्लाह ताला ने आ, 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 इल्म की भी जक़ात है जैसे माल की जक़ात ऐसे ही इल्म की भी जकत है इल्म की जकाती है कि अपने इल्म से लोगों को फायदा पहुंचे हदीस को या अपने इल्म को से गैरों को फायदा पहुंचाना दोस्तों इसकी बहुत सारी शक्लें हैं पहले तो दो शकल थी एक ये कि आदमी अपने किताब के जरिए लेकर के जरिए लोगों को कुछ इल्म की बातें पहुंचा देता था तहरीर के जरिए या अपनी मजलिस में बैठ करके शामिल होने वालों को पढ़ा देता था ये उस वक्त राइज था लेकिन आज इल्म हासिल करना और गैरों तक इल्म पहुंचाने की कोशिश करना आज इसके लिए बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं लोगों को, को चाहिए कि आज उन तमाम ज़राए अबलाक से फायदा उठाएं अब देखिए एक तो है आप कहीं बैठ करके लोगों को जो इल्म आपने सीखा है वो दूसरों को सिखाएं एक शकल ये है दूसरी शक्ल ये है कि ये आप कोई किताब पढ़ाएं आप वादो नसीहत करें कि मस्जिद में बैठ जाए खुतबा देने के लायक है जुमे का खुतबा दें ये सारी चीजें जिसके जरिए आप अपने इल्म को अपने इल्म से लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं और अल्लाह आज तो बहुत आसान हो गया है नफर अल्लाहर या मकालती इस फजीलत को हासिल करना चाहें तो आज सोशल मीडिया है अकबर दोस्तों सिर्फ बटन दबा करके अपने आपने कोई हदीस सुनी सही हदीस सुन्नत का इल्म है हक की बात है और मोतबर जराए से मोतबर आलिम से आपको इल्म पहुंच रहा है तो अगर हम इस फजीलत को हासिल करना चाहें तो दोस्तों बहुत आसान है कहते हैं एक बटन दबाने की देरी है मुमकिन है कि अपने मोबाइल में बैठे हुए एक बटन दबाएं और अपने व्हाट्सएप मैसेज या यूट्यूब इन तमाम जराए के जरिए आप चाहें तो एक वक्त में हजारों आदमी तक अपना इल्म पहुंचा सकते हैं लेकिन इसकी अहमियत मालूम होनी चाहिए नकरुमर समय मकालती दोस्तों आज इल्म पहुंचाना बहुत आसान हो गया है अपने इल्म से फायदा देना फायदा पहुंचाना बहुत ही आसान हो गया है और अगर आप आपके पास इल्म नहीं है इल्म नहीं है तो मैं तो कहूंगा अगर कोई इल्म वाला है तो उसकी बातें अगर आप चाहें तो रिकॉर्डिंग के जरिए और अपने सोशल मीडिया के जरिए घर घर में लोगों तक आप अल्लाह की रबात इस दिन की बात नबी की सुन्नत नबी की सीरत नबी की हदीस पहुंचा सकते हैं बस जरूरत है अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है अहले बातिल इसमें बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं, बड़ी मेहनत करते हैं बड़ी कोशिश करते हैं शिरकिया बातें झूठी हदीसें पहुंचाने के लिए ऐसे वक्त में दोस्तों हम अपने साथियों से अपील करेंगे जहां बातिल जोर पर हो तो उसी टक्कर का हमारा हक वाला भी जोर पर होना चाहिए नबी अरह सराफ साहब ने साथ रमाया जिहाद करो बाहले बातिल से अपने हाथ के जरिए अपने जबान के जरिए अपने हाथ के जरिए लाहु अकबर बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं दोस्तों जरूरत है अपनी जिम्मेदारी के एहसास साफ वाले इस आयत पर गौर करें और नबी के फरमान नब जरू मकालती गैरों तक पहुंचाना आप तमाम हदरा से हम अपील करेंगे कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा इस फजीलत को हासिल करने के लिए इसमें शामिल हों और अपने सलाहियत के जरिए आज जो अल्लाह तारा ने बहुत सारे रास्ते इल्म को आम करने के लिए गैरों तक पहुंचाने के लिए रास्ते हमवार कर दिए हैं आप उनसे जरूर फायदा उठाएं बड़ी फजीलत है एक दूसरी हदीस आपके सामने रखते हैं तिरमिदी वगैरह की हदीस हजरत अबू उमामा बाहेली रज अल्लाहन कहते हैं कि जोकेर अल रसूल रजुलान अहमा आबिद आखर आलिम फकलाम फजरुल आलिम आबिद का फली अला अदनाकुम जानते हैं जो इंसान अपने इल्म को अपने इल्म को गैरों तक पहुंचाए अपने इल्म से गैरों को फायदा पहुंचाए इल्म हासिल करने के बाद अपने तक महदूद नहीं बल्कि गैरों तक भी पहुंचाता है ताकि इल्म आम हो नबी की सुन्नत आम हो हक आम हो अब हद कितनी फजीलत है देखें अबू ओमामा अलबाहली कहते हैं रजियला तार हो कि नबी रह के पास हम लोग बैठे थे तो दो आदमियों का तस्करा किया हुआ जोकेरा ले रसूल रसूसलम रजुलान दो आदमियों का जिक्र खैर हुआ दो आदमियों की तारीफ लोगों ने शुरू कर दी आदमां आबिद एक तो आबिद था यानी हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में रहा करता था अपना वक्त जाय नहीं करता था बहुत ही कसरत से वो इबादत करता रहा आखर आलम आलिम उन और दूसरा इंसान आलिम था आबिद और आलिम दोनों की खूबियां लोगों ने बयान करना शुरू किया अब लाजमी चीज है बज़ाहिर आबिद जो चौबीस जो हर वक्त कसरत से अल्लाह तला की इबादत करता था उसकी फदीलत बज़ाहिर मालूम पड़ती थी वो बड़ा अच्छा इंसान है अपना सारा वक्त किसमें खर्च कर रखा है अल्लाह ताला की इबादत में आबिद की भी तारीफ की और आलिम की भी की नबी रह ने लोगों की जबानी आबिद और आलिम दोनों का दिगर खैर सुनने के बाद फरमाया दोस्तों तुम्हें मालूम है फजल आलिम अल आबिद फजली अदनाकुम उस आलिम की मिसाल और आबिद की मिसाल जिन दोनों आदमियों की तारीफ करो जिसमें एक आबिद है और दूसरा आलिम है उन दोनों की मिसाल हमारी और तुम्हारी जैसी मिसाल है अल्लाह अकबर गौर करो दोस्तों आलिम अगर अपने इल्म से लोगों को फायदा पहुंचाए तो उसका कितना ऊंचा मकाम और मरतबा होता है आने फरमाया दोनों अच्छे हैं दोनों काबिल तारीफ हैं, लेकिन आबिद के पर आबिद पर आलिम को अल्लाह ताला ने वही फलत दे रखी है जो तुम्हारे अदना दर्जे की उम्मती पर हमारा फमरी हमारी फजीलत अल्लाह ने दे रखी है यानी एक मकाम मोहम्मद सल वसलम का है और एक अदना दर्जे के मुसलमान उम्मती का है अब आप बताइए एक अदना दर्जे के उम्मती पर सारे नबियों के सरदार मोहम्मद सल्लम को कितनी फदीलत हासिल है उसके मुकाबिल आपके दर्जात कितने बुलंद हैं यह सोचने की चीज है आपने फरमाया एक अदना दर्जे के उम्मती पर जो अल्लाह ने मुझको फजीलत दी है उस अदना दर्जे के मुसलमान उम्मती पर अल्लाह ने हमारे जितने दर्जात बुलंद किए हैं जितना फर्क है हम में और हमारे अदना दर्जे की उम्मीद के दर्जात में उतना ही फर्क अल्लाह ताला ने उस आलिम और आबिद के दर्जात में रखा है यह मिसाल है, है। यानी जिस आबिद और आलिम का तस्करा तुम लोग कर रहे हो दोनों बहुत अच्छे हैं लेकिन दोनों का दर्जा एक नहीं है दोनों का, एक है। दोनों का मकाम एक नहीं है उस आलिम दीन को आबिद पर उतनी ही फजीलत हासिल है जितनी मुझको हमारे अदना दर्जे की उम्मती पर फजीलत हासिल है अब आप सोचें दीन सिखाने वाले की क्या मकाम और मरतबा है कितने दर्जात बुलंद है कितनी, कितनी फजीलतें हासिल है वल्लाह आलिम को इस हदीस सुन लेने के बाद अपने मकाम और मर्तबे का एहसास होना चाहिए अपनी जिम्मेदारी का ख्याल होना चाहिए कि अगर हम अपने इल्म से लोगों को फायदा पहुंचाते हैं तो कितना ऊंचा मकाम और मर्तबा और कितने दर्जा हमारे बुलंद होते हैं और कितना अजर सवाब मुझे मिलता है फिर नबी असराफ साहब ने फरमाया अब और फजीलत सुने एक आलिम जो लोगों को अपने इल्म से फायदा पहुंचाता है एक इंसान इल्म हासिल किया बड़ी फजीलत की चीज अब इल्म हासिल करने के बाद अगर अपने इल्म से लोगों को फायदा पहुंचाता है दर्श के जरिए तदरीस के जरिए तालीम तालम के जरिए अपने वाद व नसीहत के जरिए अपने तरबियत के जरिए जब लोगों की असलाह करता है लोगों को अपने इल्म से फायदा उठाता है तो उसका उसको कितना बड़ा जो सवाब और अल्लाह ताला क्या उसका क्या मकाम होता है आपने आगे फरमाया इसी हदीस के अंदर इन्ना इन व मला एक तहु इन अल्लाह व मला एकत हो वल समावाती वल अरुमी अल्लाह अकबर देखें इन अल्लाह व मला एकत हो वल समावाती वल अरुमी हत नवलता फी जोहरिहा वहां तलहूत ये कितनी मखलूक हो गई नंबर एक खालिकाव अल्लाह एक तो अल्लाह खुद है अब दूसरे अल्लाह तला कितनी मखलूक नंबर एक मलाई का नंबर तीन अहल उस समावाते, नंबर दो अहल उस समावाते वाल अर सातों आसमान और सातों जमीन नंबर तीन हत्या मलाता बिलों में रहने वाली चूटियां नंबर चार वहा तलहूद समुद्र के तह में रहने वाली मछलियां इन अल्लाह बेशक अल्लाह अब चार मखलूक फरिश्ते चिटियां और समुंदर के मछलियां और सातों जमीनों आसमानों में बसने वाली सारी मखलूकत कोई एक मखलूक नहीं अहर उस समाबाते व आसमान पर फरिश्ते हैं और जमीन पर तो पता नहीं कितनी मखलूकत हैं अल्लाह ने शास्त्र नमाया अल्लाह Allah के सारे फरिश्ते आसमान जमी, और जमीन सातों और और आसमानों बसने वाली मखलूकत यहां तक कि चूटियां अपनी बिलों में मछलियां अपने पानी में समुन्द्र के तह में साफ के सब को अल्लाह ने हुक्म दिया है लाला मुल मुन्ना से अलखेर लोगों के हक में जो मन्ना से अलखेर होता है यानी लोगों को खैर की बातें सिखाने वाला दीन की बातें बताने वाला नेकियों की दावत देने वाला बुराइयों से रोकने वाला जो होता है आलिम दीन, अल्लाह ने सारी मखलूकत को हुक्म दिया कि हर वक्त इसके हक में रहमतों की दुआ किया करो अल्लाह अपनी रहमतों का दरवाजा खोलता है और ये सारी मखलूक मलाकातुलकरबून सातों आसमानों के फरिश्ते सातों जमीन की मखलूक यहां तक कि बिलों में रहने वाली चूंटियां असमुंदर के तह में रहने वाली मछलियां सबको अल्लाह ने हुक्म दे रखा है कि सारी मखलूक मेरा जो बंदा लोगों को दीन की बातें बताता है दीन की बातें सिखाता है उसके हक में हमेशा दुआए खैर किया करें कितनी बड़ी फजीलत है दोस्तों कितनी बड़ी फजीलत है आप जरा सोचें यह फजीलत किसकी है जो दीन सीखता है इल्म हासिल करता है और अपने इल्म से लोगों को फायदा पहुंचाता है अगर आप अपने आलिम को अपने औलाद को आलिम बना दें और आगे वो आलिम बनने के बाद अलिमनास अलखेर हो जाए लोगों को दीन सिखलाने वाला बन जाए मुदरिस बन जाए मुअल्लिम बन जाए वाइज बन जाए खतीब बन जाए जो अपने इल्म के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाए आपकी औलाद कितनी खुशनसीब कि अल्लाह उसके ऊपर रहमतों का दरवाजा खोल दे बरकतों का और सारी दुनिया कायनात की मखलूक को हुक्म दें कि इसके हक में हमेशा अल्लाह ताला से दुआ रहमत की दुआ किया करो इससे बड़ा खुशनसीब कौन इंसान हो सकता है दोस्तों यह हदीस तो तिरविली की है इमाम बजार रहमत ने उमन आयशा रदी अल्लाह तारहा से एक हदीस नकल की है उसमें भी बड़ी ही अजीब से फजीलत बयान की गई है मुख्तसर है मुख्तसर हदीस है।, है लेकिन बड़ी जामे और माने बड़ी फजीलत वाली हदीस है नबी असलाम रिशात फरमाते हैं हजरत आशर अदी अल्लाह तारा रवायत करती है अल्लाहसल ने फरमाया ऐ लोगों लोगो मुलमिल खैरेमिल खैरे फिरू कुल शईन हतानो फिल बहर लाहबर ए लोगो अल्लाहसल फरमाते हैं आयशा याद रखना लोगों को मेरा पैगाम हदीश सुना देना क्या हदीश है अल्लाह रसुल ने फरमाया मोल मेरा जो उम्मती इल्म हासिल किया आलिम बना और आलिम बनने के बाद मुल खैर हो गया वो अपने इल्म से लोगों को फायदा पहुंचाता है अपने इल्म से लोगों को फायदा पहुंचाता है सिखाता है पढ़ाता है टाइम देता है अल्लाह का पैगाम पहुंचाता है लोगों को नेकियों की दावत देता है बुराइयों से रोकता है जो लोगों को खैर की दीन की बातें सिखाता है यग फिर कुल्लु शई कायनात की सारी चीजें उसके हक में दुआए मखफिरत करती हैं बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों सारी कायनात की मखलूक अल्लाह यद फेरोह कुल्लो शई हर चीज हर मखलूक उसके हक में हर वक्त अल्लाह ताला से दुआए मगफरत करती है अल्लाह ये तेरा बंदा तेरी बात लोगों को पहुंचाता है तेरी फरमाबरदारी की दावत देता है तेरी नाफरमानी से रोकता है अल्लाह हम सारी मखलूक तुमसे दुआ करते हैं इससे कोई गलती हो जाए तो अल्लाह इसको माफ कर देना कितनी खुशनसीबी है फिर सारी मखलूका उसके हक में दुआ मक़फ़रत करती हैं अल्लाह के रसूल ने यहां तक फरमाए हत तल बहर यहां तक कि समुंदर के तह में जो मछलियां बैठी रहती हैं अल्लाह ताला ने उनको भी हुक्म दिया है कि तुम भी यहीं बैठे बैठे समुंदर के तह से दुआ करो अल्लाह इस बंदे को जो लोगों को तेरा पैगाम पहुंचाता है तेरी बातें पहुंचाता है तेरा दिल सिखाता है अल्लाह इसके हक में हम भी दुआ करते हैं कि इससे कुछ खता हो जाए तो इसको माफ कर देना इसकी बख्शिश कर देना इसकी मकफरत कर देना दोस्तों कितना बड़ा अजो सवाब है सारी कायनात पहली हदीस में फजीलत अबू उमामा की रहमत की बरकत की दुआएं करते हैं हजरत आशरत अल्लाह तला की हदीस इसमें आया मकफरत की दुआएं करते हैं और आगे बढ़ो हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तला हदीस तवरानी कबीर की रवायत कहते हैं अल्लाह ने फरमाया मन गदा एल मस्जिद मन गदा एलल मस्जिद लादरन औु अल्ले महू का न लो का रे हज जिन तम मन हज जतमा कारा रही सलाह तो दोस्तों जरा बताओ इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है और कितना बड़ा खुशनसीब इंसान वो है जो इल्म हासिल करता है इल्म हासिल करके इल्म हासिल करने का फजाइल जमा कर लेता है और फिर आलिम बन जाने के बाद अपने इल्म से लोगों को फायदा उठाता है तो लोगों के सिखाने और पढ़ाने का की जो फजीलत है वो फजीलत भी हासिल कर लेता है अब वो फजीलत क्या आने फरमाया जो शख्स मस्जिद की तरफ जाता है या और कहीं जाता है खास तौर से मस्जिद में उस जमाने में इल्म हासिल करने की महफिलें होती थी वहां जाता है मर गदा एला मस्जिद है एला मस्जिद जो मस्जिद की तरफ गया और जाने का मकसद है कि वहां जा करके दीन सीखेगा अल महू या वहां जाकर के दीन सिखाए अल्लाह अकबर किसी मस्जिद में कोई आलिम बैठता है अगर कोई इंसान मोहल्ले का दूर का या करीब का सोचा फला जगह आलिम तालीम देता है हदीस का दर्ज देता है कुरान का दर्ज देता है दीन की बातें बताता है चलो उससे उस, उस उसके बाद चलते हैं जरा दीन सीख करके आ जाते हैं या एक शख्स देखता है आलिम कि फला मस्जिद में लोग इकट्ठा होते हैं चलो हम वहां जाकर के थोड़ी देर बैठ करके लोगों को दीन सिखा दें इस्लाम की बातें बताएं किताब उस सुन्नत की बातें सिखाएं उसको बहरहाल चाहे सीखने के लिए गया या सिखाने के लिए गया तो आप फरमाते हैं उसको अल्लाह ताला एक मुकम्मल हज करने के बराबर अजरु सवाब देते हैं कितना बड़ा सवाब हज करने वो भी पूरा पूरा हज करने का हज मकबूल का अजर स्व देते हैं उसको इंसान हज मकबूल हज मबरूर का अजर सवाब हासिल कर लेता है कौन अगर कोई आलिम किसी जगह जाकर के लोगों को बैठ कर के दीन की बातें सिखा देता है खसूस मस्जिद के अंदर किसी मस्जिद में चला गया वहां लोग इकट्ठा है इकट्ठा करने की जरूरत भी नहीं लेकिन सोचता है चलो वहां जाए हम अपने इल्म से फायदा उठाएं लोगों को दीन सिखाएं नबी की सुन्नत सिखाए तोहहीद सुन्नत की दावत दें और लोगों को तालीम दें चला गया आधे घंटे के लिए घंटे के लिए जब वहां से उठता है तो अल्लाह ताला पूरा एक पूरे एक मुकम्मल हज का अजर सवाब उसको देते हैं तो दोस्तों कितनी बड़ी चीज है कितनी बड़ी फजीलत की चीज है अल्लाह ताला ने उसको सारे असातों आसमान और जमीन के फरिश्ते रहमत की दुआएं करें बरकत की दुआएं करें अल्लाह खुद अपनी रहमतों का दरवाज़ा खोल दे सारी मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आलिम दीन जो लोगों को अपने इल्म से फायदा पहुंचाता है उसके हक में हमेशा दुआए मफ्त करते रहें माले में खैर अगर किसी मस्जिद में जाकर के बैठे और लोगों को वहां थोड़ी देर बैठ करके दीन की बातें सिखाए इल्म सिखाए लोगों को किताब उस सुन्नत की दावत दे किताब उस सुन्नत की तालीम दे तो अल्लाह ताला उसको हज के बराबर अज़रो सवाब देते हैं नंबर चार अल्लाह अकबर कितनी बड़ी चीज नबी लह सराफ साहब ने शाह फरमाते हैं जो शख्स किसी मस्जिद में किसी मकाम पर खूब मस्जिदों का तस्करा आता है क्यों उस जमाने में नबी लहराब शाह के जमाने में मस्जिद ही के अंडर दरसो तदरीश वही दीन सीखने की सबसे बड़ी जगह होती थी आने फरमाया जो मस्जिद में आता है और आने का मकसद उसके सिर्फ ये है, है कि दीन सिखाए या दीन सीखे मुतालिम है या मुअल्लिम आपने साथ में जो इंसान दीन आकर के सिखाता है या सीखता है अल्लाह ताला के घर में तो उसको अल्लाह ताला फी शबील के बराबर अजर सवाब देते हैं दोस्तों बहुत फजीलत है काश के हमारे अंदर अल्लाह ताला हमारे भाई बहन जो सुन रहे हैं अल्लाह तला उनके अंदर इस दीन के सीखने सिखाने इल्म हासिल करने का शौक और जज्बा पैदा कर दे शौक और जज्बा पैदा करें और इस नियत से दीन सीखें और सिखाएं खुद सीखें सिखाएं या अपनी औलाद को दीन सीखने सिखाने के लिए कई मदरसे में बैठाएं इल्म हासिल कराएं अल्लाह किस कदर फायदा है और कितना बड़ा अजर सवाब कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में मुख्तलि मकाम पर जो उलमा की फजीलत की है दोस्तों वो बड़े आला मकाम और मरतबा तक पहुंचा देता है इंसान को आप हजरात से गुजारिश है कि दीन सीखें अपनी औलाद को सिखाएं और दीन सिखाने वाले बने पहले दीन सीखें अपनी औलाद को दीन सिखाएं, बच्चे बच्चियों को पढ़ाएं, और फिर उसके बाद ये नियत भी साथ में रखें कि पढ़ने के बाद दीन सिखाने सिखा दीन सीखने सिखाने वाले बने जब ये बन जाएंगे तो दोस्तों यही असल में दीन के इस्लाम के बाकी रखने का जरिया और सबब होता है जहां कोई कौम जब कोई कौम अपने दीन का सीखना सिखाना छोड़ देती है तो वो कौम अपनी दीन की हिफाजत नहीं कर सकती अल्लाह ताला के तरफ से दिया हुआ दीन ये किताब व सुन्नत ये इस इस्लाम व शरीयत अगर इसको बाकी रखना है तो दोस्तों उसके लिए इल्म का हासिल करना जरूरी है जब हम इल्म हासिल करेंगे हम अपनी औलाद को वक्फ करेंगे दीन हमारी औलाद सीखेगी दीन सीखेंगे सिखाएंगे तब इन श्ला जरूर भी ज़रूर इस दीन का बोलबाला होगा दीन तरक्की करेगा और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह तला हम सब के अंदर दीन सीखने सिखाने और फिर दीन सीखने के बाद सिखाने आलिम बनने के बाद मिल खैर बनने की तोफीक का शौक और जज्बा पैदा कर दे और तोफीक दे और अल्लाह तला से भी दुआ भी करें बाकी इन अब आइंदा हम कोशिश करेंगे दीन सीखने के बाद अमल करना और अमल किस पर होना चाहिए किताब सुन्नत पर इनशाला किताब सुन्नत पर अमल करने के फदाइल बयान करेंगे अकुल कौलिहाद्ला